हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज मैं हूँ अभी बोध गया में, भाई बिहार के बोध गया सिटी में, और हम अभी आ रखे हैं 80 फीट मूर्ति के पास में। और यहाँ से आने का एंट्री गेट है जिसका बिल्कुल एंट्री प्राइस फ्री होता है। और हमारे सामने ये देख लो इतनी बड़ी मूर्ति आपको दिख जाती है और काफ़ी बड़ी हाई, इसकी हाइट टोटल 61 फीट है। और यहाँ पर डोनेशन बॉक्स भी मिल जाता है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा राउंड दिखाते हैं इस मूर्ति के बारे में। और इसकी जो हाइट है ना ऑलमोस्ट 81 फीट है। और कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको छोटे छोटे टेम्पल्स भी दिख जाएंगे देखने के लिए। और इस साइड से ऐसा कुछ रास्ता बनाया कि आप मूर्ति का टोटल व्यू ले सकते हो। तो देख लो कितनी बड़ी मूर्ति है भाई। मैं तो अच्छा हुआ कि मैं तो GoPro से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मेरे पास GoPro नहीं होता तो भाई इतना ज़्यादा वाइड है कि ये कैमरा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाता भाई। क्या इतनी हाइट है इस मूर्ति की। तो कुछ इस तरह का भाई आपको यहाँ से दिख जाता है इस मूर्ति का व्यू। और यहाँ पर आपको ऐसे से छोटे छोटे काफ़ी सारी मूर्ति भी दिख जाएंगे जो जिनका फेस डायरेक्ट इनकी तरफ है। और यहाँ से देख लो कुछ इस तरह का बैरिकेडिंग लगा के कर दिया गया कि लोग इसके अंदर ना जा सकें। और यहाँ पर पता नहीं कैमरा में तो रिकॉर्ड नहीं होगा, यहाँ पर लिखा है कि 1986 में ये मूर्ति बनकर तैयार हुई थी। और 1986 से 1989 तक ये मूर्ति बनकर कंप्लीट हो चुकी थी। तो किस इस तरह का भाई आपको पीछे से इस मूर्ति का व्यू मिल जाता है देख लो। और यहाँ पे ऐसी ऐसी मूर्ति आपको काफ़ी ज़्यादा दिखने वाली है। तो आज मैं आपको बोधगया का काफ़ी जगह का टूर देने वाला हूँ। तो फर्स्ट विजिट मेरा यहाँ पर था। तो आपको देख लो कुछ इस तरह का भाई फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, कितना मतलब कितनी ज़्यादा ह्यूज और कितनी बड़ी मूर्ति है ये। और कुछ इस तरह का आपको रास्ता मिलता है। तो हम लोग चलते हैं इधर से, घूम कर फिर से आ चुके हैं भाई वहीं वाले जगह पे। हम लोग ऐसे राउंड मार के मूर्ति का आए थे इस साइड से, और इस साइड से आने के बाद फिर से डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे एक डोनेशन बॉक्स भी मिल जाता है। और गाइस देख लो यहाँ पे भाई इतनी बड़ी बर्तन है, पता नहीं ये है क्या। और इस पर काफ़ी सारे भाई कॉइन्स भी डाले हुए हैं, तो लोग यहाँ पर मन्नत के लिए अपना कॉइन्स भी फेंकते होंगे। और ये आपको देख सकते हो कितनी बड़ी भाई ये, मतलब ऑलमोस्ट आप कड़ाही टाइप का बना है और काफ़ी बड़ा बना हुआ। मतलब अब इसके अंदर क्या है इसके बारे में तो कुछ डिटेल दिया हुआ नहीं है, तो ये तो मेरे को कोई एक्चुअली पता नहीं। और देख लो यहाँ पे कुछ इस तरह का एक मूर्ति बनता है। और कुछ जैसा कि मैंने बताया आपको ऐसी ऐसी काफ़ी सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ भी मिल जाती है। तो और ये देख लो इधर से आते हो तो ये रहा एंट्री गेट जिसका प्राइस मैंने बताया था, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट बिल्कुल फ्री है। मतलब ऑलमोस्ट क्या, बिल्कुल फ्री एंट्री प्राइस है। यहाँ पर कोई भी टिकट नहीं लेना पड़ता अगर आप यहाँ पर विजिट करते हो। और यहाँ सामने से आप देख लो कुछ ऐसा व्यू मिलता है इसका। तो अभी थोड़ा पीछे जाकर दिखाता हूँ मैं। तो ये देख लो गाइस कितनी ह्यूज मूर्ति है भाई। यहाँ से आपको पता नहीं, रिकॉर्ड कैमरे में तो ऐसे बिल्कुल स्क्रीन पे आपको पता नहीं चल रहा होगा कि कितनी हाइट है। और ये मूर्ति ना इंडिया की सबसे टॉलेस्ट मूर्ति है बुद्ध की। मतलब इतनी बड़ी बुद्ध की मूर्ति इंडिया में अभी आपको कहीं भी नहीं देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह का भाई यहाँ पर बैठ कर ध्यान लगाते हुए स्टाइल में इनका बनाया गया ये मूर्ति। तो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ह्यूज सा मूर्ति है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिया हूँ। और इधर देख लो कुछ ऐसा गार्डन वार्डन भी आपको मिल जाता है, और काफ़ी सारी मूर्तियाँ मिल जाती है। ऑलमोस्ट 3-5 इधर हो गए, 5-10 इधर हो गए, ऑलमोस्ट 15 टोटल ऐसी ऐसी मूर्तियाँ आपको यहाँ पर इनके सामने ध्यान लगा कर खड़े हुए दिख जाएगी। तो एक बार मैं यहाँ साइड से भी थोड़ा आपको व्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ से देख लो गाइस कुछ इस तरह का भाई आपको नज़ारा मिलता है, और काफ़ी बड़ी मूर्ति है ना। तो चलो भाई अब यहाँ से निकलते हैं, कहीं और थोड़ा सा टेंपल विजिट करते हैं। और मैं भी बोधगया में काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, तो 2-3 टेंपल विजिट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। चलो चलो फिर चलते हैं किसी और नेक्स्ट टेम्पल पर। यहाँ से भाई क्या नज़ारा मिल रहा है, मतलब यहाँ से और जो व्यू है ना काफ़ी बढ़िया व्यू मिल रहा है। और ये रहा एंट्री गेट, और एंट्री गेट से आप सामने इंटर करते के सामने आपको ये बुद्ध की मूर्ति दिख जाएगी जो काफ़ी खूबसूरत बेहतरीन है भाई, लाजवाब। मतलब काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वाले जगह पर। तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से वापस और चलते हैं किसी और नेक्स्ट टेम्पल पर, और आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। बाहर आते के साथ काफ़ी सारी भाई सोवेनियर शॉप भी मिल जाएगी, और काफ़ी सारी दुकानें हैं। तो आ चुके थे सेकेंड टेम्पल के पास, और ये देख लो भाई यहाँ पे इस टेम्पल की खूबसूरती। मगर अनलकी ना, ये संडे को होता है क्लोज, और आज है संडे और संडे के दिन ये होता है भाई क्लोज। तो कुछ इस तरह का व्यू मिलता है यहाँ पर, देख लो कितना खूबसूरत सा टेम्पल है। और ये देख लो भाई पूरा व्हाइट थीम पे बनाया गया है बेस्ड, और ये ना थाईलैंड के एक मंदिर की रेप्लिका है। तो कुछ इस तरह का आपको देखने में यहाँ पे मिल जाता है इसका व्यू। और यहाँ पे आपको बड़े बड़े अक्षर में लिखा मिल जाएगा वार्निंग, बी अवेयर ऑफ डॉग, यानी कुत्तों से आप सावधान रहो। और यहाँ पे कैमरा और ड्रोन अलाउड नहीं है अंदर में। तो फिलहाल बाहर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और देख लो यहाँ पे क्या साइन मार रहा है भाई, ग्लास लगाकर इस बिल्डिंग इस टेम्पल को बनाया गया है। कैमरा
तो ये मंदिर आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है और पूरा व्हाइट थीम पर बनाया गया, तो कुछ काफी खूबसूरत सा यहाँ से व्यू मिलता है। और सामने आपको बुद्धा का टेम्पल मिल, बुद्धा का स्टैचू मिल जाएगा जो काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो फिलहाल यार ये तो था बंद, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं वापस नेक्स्ट टेम्पल के लिए। और एक बार लास्ट व्यू चेक कर लो, कुछ ऐसा बनाया गया भाई यहाँ पे देख लो, और काफी बड़ी एक मेरे को घंटा भी दिख गई। तो यहाँ पे आपको इस तरह की घंटी मिल जाएगी जो काफी बड़ी घंटी है। तो फिलहाल यार यहाँ से निकलते हैं अब तीसरे टेम्पल के लिए, और चलते हैं अब दूसरे मतलब नेक्स्ट टेम्पल में। हम लोग यहाँ से चुके हैं अपने थर्ड टेम्पल के तरफ, और इस टेम्पल का नाम है भाई नौलखा मंदिर। तो ये इसका कुछ एंट्री गेट मिलता है, तो अभी चलते हैं यहाँ से अंदर। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मैं नेट पे कई फोटो मिल जाएगा तो मैं आपका इसका वीडियो थोड़ा सा दिखा दूंगा कि एक्चुअल में ये बाहर से कैसा दिखता है। तो ऐसा अंदर आते के साथ आपको ऐसा कुछ नज़ारा मिल जाता है। और इस मूर्ति का भाई नाम है नौलखा। एक्चुअली इसका नाम नौलखा होने के वजह का एक कारण है, क्योंकि इस मूर्ति की जब ये टोटल मूर्ति बनी थी, इसकी टोटल कॉस्ट 9 लाख रुपीज़ लगी थी, तो उसके आधार पे इसका नाम रख दिया गया भाई नौलखा मंदिर। तो अंदर चलते हैं और अंदर चल के इसका थोड़ा सा आपको व्यू दिखाते हैं। तो इधर पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लोग भाई यहाँ से वापस जा रहे हैं इस थाई टेम्पल से, और ये इसका एग्जिट गेट है जो मैंने एंट्री के टाइम दिखाया था। यहाँ पर देख लो कुछ ऐसा गेट मिल जाता है। गाइस फाइनली आप लोगों को मैंने आज थोड़ा सा बोधिये का टूर दिया, तो काफी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।